Hello and good evening to you all. Welcome to yet another session. In the last class, we had discussed about Indian river system. उससे पहले हमने national parks, superlatives, first in world, first in India, budget, और important articles of the constitution, salient features of the constitution. इन सारी चीज़ों पे lectures cover कर लिए हैं. Today, I am back with, one of the most important topics of ancient history. ये topic, irrespective of the examination, चाहे कोई भी examination हो, be it like the ace level examinations of UPSC, State Public Service Commission examinations, or even other examinations at the, let's say, 12th level or intermediate level, which are CUET and other college entrance examinations. Sabke liye Buddhism, Jainism is a very important topic. Now, you don't have to study Buddhism, Jainism in a lot of detail. Aapko sirf wahi cheezein puchni hai, padhni hai, jo questions mein puchhi jaati hai. Theek hai? Now, luckily enough, for all the examination apart from UPSC and the other top level examinations, rest all the examinations, banking le lijiye, SSC le lijiye, CUET le lijiye for that matter. All of those questions that are asked in Buddhism and Jainism particularly are more or less from the same domain. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं बुद्धिज्म जैनिज्म में और उन्हीं से क्वेश्चंस बन के आते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की बुक्स, इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उन पे हमें विशेष ध्यान देना है आज की क्लास में. ठीक है, तो वी विल डील बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन अ वे दैट वी डू नॉट डेल्व इनटू एनी अननेसेसरी डिटेल. दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ पीएचडी कोर्स इन एंशिएंट हिस्ट्री, बिकॉज एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है. उसमें आपको फिल्टर आउट करके सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो हियर आई हैव ओनली दोज पॉइंट्स रिटन. ठीक है, आई विल मेक यू राइट ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स, वी विल एक्सप्लेन देम इन डिटेल. सो विदाउट फर्दर एडू, वी विल स्टार्ट द लेक्चर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ बुद्धिज्म फर्स्ट. ओके, नाउ बुद्धिज्म वॉज प्रोपाउंडेड बाय गौतम बुद्ध. एज वी ऑल नो, बुद्धिज्म वॉज प्रोपाउंडेड बाय गौतम बुद्ध. तो गौतम बुद्ध जो थे वो बुद्धिज्म के प्रोपाउंडर थे. ठीक है, प्रोपाउंडर मतलब फाउंडर. ठीक है, ही वॉज द वन हु गेव द आइडिया ऑफ बुद्धिज्म. वेयर वॉज ही बॉर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आस्ड इन लॉट ऑफ पेपर्स. ठीक है, तो बिहार नहीं है आंसर, बिहार मत मार करेगा, बिहार में उनको निर्वाण मिला था. ठीक है, वो बिहार ज्यादा टाइम रहे हैं. ठीक है, मौर्य डायनेस्टी में. खैर, लुम्बिनी विच इज इन प्रेजेंट डे नेपाल, तो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, नियर कपिलवस्तु. कुछ लोग कपिलवस्तु भी कहते हैं उनका जन्मस्थल, दोनों आसपास ही है. ठीक है, बट द करेक्ट आंसर इफ इट इज आस्क्ड टू यू वेयर वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न और वॉट इज द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध, द आंसर बिकम्स लुम्बिनी विच इज इन प्रेजेंट डे नेपाल. क्लियर, एंड ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 563 BC. किस साल में पैदा हुए थे बुद्ध? तो बुद्ध वॉज बॉर्न इन द ईयर 563 BC. 563 BC इज द करेक्ट आंसर. He was born as a child of a king. Okay, इनके जो डैड थे वो शाक्या डायनेस्टी, शाक्या क्लैन जो है, ठीक है, SHAKYA, शाक्या क्लैन के राजा थे. ठीक है, उनके पुत्र थे बुद्ध. एंड द नेम ऑफ द किंग, हिज फादर वॉज शुद्धोधन. शुद्धोधना वॉज द नेम ऑफ द फादर ऑफ गौतम बुद्ध. सो गौतम बुद्ध के फादर का नाम कई बार पूछ लेते हैं. ठीक है, द नेम वॉज शुद्धोधना, ही वॉज अ किंग. ओके, ऑफ शाक्या क्लैन. ओके, शाक्या क्लैन में राजा थे. ठीक है, वॉट इज द नेम ऑफ द मदर ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध की मदर का नाम माया देवी. ठीक है, या महामाया, दोनों में से कुछ भी अगर पूछे तो बोथ आर करेक्ट आंसर्स. माया देवी और महामाया वॉज द नेम ऑफ गौतम बुद्धस मदर. ओके, तो चार इन्फॉर्मेशन यहां हमने देख ली जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एमसीक्यूज में, क्वेश्चंस में रेगुलरली पूछी जाती है. द नंबर वन, वेयर वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न? तो द आंसर इज लुम्बिनी, प्रेजेंट डे नेपाल. ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी. सेकंड, इन विच ईयर वॉज ही बॉर्न? सो द आंसर बिकम्स 563 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. ओके, 563 बीसी इज द करेक्ट आंसर. ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 563 बीसी. द थर्ड क्वेश्चन, वॉट वॉज द नेम ऑफ गौतम बुद्धास फादर? गौतम बुद्ध के फादर का नाम क्या था? द आंसर इज शुद्धोधना. शुद्धोधना वॉज द नेम ऑफ द किंग ऑफ द शाक्या क्लैन, द चीफ ऑफ द शाक्या क्लैन. ठीक है, हु वॉज द फादर ऑफ गौतम बुद्ध? फोर्थ क्वेश्चन, वॉट इज द नेम ऑफ द मदर ऑफ गौतम बुद्ध? ठीक है, द आंसर बिकम्स माया देवी और महामाया. महामाया देवी या महामाया आंसर आप मार्क करेंगे अगर बुद्ध जी के माँ का नाम पूछा जाए तो. ठीक है, अगेन फिफ्थ क्वेश्चन, द चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्ध.
ठीक है, बुद्ध को बचपन में किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, या घर का नाम, बचपन का नाम, निक नेम, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, द निक नेम वॉज सिद्धार्थ. आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो दिस, बट स्टिल फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट हैव एन आइडिया, सिद्धार्थ वॉज द नेम, द निक नेम और द बर्थ नेम गिवन टू गौतम बुद्ध. ठीक है, जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ उसके बाद से उन्हें बुद्धा बुलाने लग गए लोग, उससे पहले वो सिद्धार्थ थे. ठीक है, अब अ फ्यू डेज आफ्टर हिज बर्थ हिज मदर डाइड. अच्छा, अब कुछ कहानी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो गौतम बुद्ध बेसिकली बहुत ज्यादा समृद्ध परिवार में थे. मैंने ऑलरेडी बताया शाक्या क्लैन के चीफ, द चीफ ऑफ शाक्या क्लैन शुद्धोधना वॉज गौतम बुद्धस फादर, एंड ही एंश्योर्ड दैट गौतम बुद्ध इज पैम्पर्ड अ लॉट सिंस हिज बर्थ. ठीक है, कई कहानियां आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गौतम बुद्ध इतने ज्यादा प्रिविलेज्ड और इतने ज्यादा पैम्पर्ड थे कि वो हर सीजन के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग पैलेसेस में रहते थे. तो तीन पैलेसेस में रहते थे वो. ठीक है, फॉर सनी सीजन ही यूज्ड टू स्टे इन अ डिफरेंट पैलेस. ओके, शुद्धोधना वॉज सो मच यू नो प्रोटेक्टिव ऑफ बुद्ध. ही नेवर वॉन्टेड हिम टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड और ही नेवर वॉन्टेड हिम टू सी द आउटसाइड मिजरी. वो सारी चीज़ें बुद्ध को बहुत टाइम तक अपनी लाइफ में मालूम भी नहीं थी. ठीक है, द रीजन इज दिस, बिकॉज ही वॉज पैम्पर्ड एंड ही वॉज वेरी प्रिविलेज्ड. हिज फादर वॉज द चीफ ऑफ शाक्या क्लैन, ही वॉज अ वेरी वेल प्रॉस्परस किंग. ठीक है, तो गौतम बुद्ध वॉज लिविंग इन थ्री पैलेसेज, वन फॉर समर, समर में अलग पैलेस में, विंटर में अलग पैलेस में, रेनी डे में अलग पैलेस में. तो दैट वॉज द काइंड ऑफ लैविश लाइफ स्टाइल शुद्धोधना हैड प्रोवाइडेड गौतम बुद्ध विथ वाइल ही वॉज बींग ब्रॉट अप. बट देन सडनली वॉट हैपन्ड, बुद्धाज मदर डाइड, वन एंड सेकेंड, वेन After a point of time, he saw misery. He saw, sadness, misery, death, pain. ये सारे concepts जिनसे दूर रखा था शुद्धोधन ने बुद्ध को, और बुद्ध बहुत ज़्यादा दूर थे, वो फाइनली ये सारी चीज़ें उनको एक्सपीरियंस की. उन्होंने जैसे ही एक्सपीरियंस की, मैं अभी बताऊँगा क्या क्या वो पर्टिकुलर साइट्स थी, क्या क्या चीज़ें थी, वो देख के फिर बुद्ध बुद्ध बने. फिर वो रास्ते पे गए और बोले कि आई नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ. ओके, नाउ आई एम नॉट, लेट्स से आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओके, टू होल्ड माई प्रजा. मैं अपनी प्रजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं ट्रूथ के प्रति रिस्पॉन्सिबल हूँ. ठीक है, दैट वॉज द बेसिक फाउंडेशन थ्रू विच गौतम बुद्ध ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ और रिवोल्यूशनाइज्ड हिज लाइफ जर्नी. क्लियर, सो अ फ्यू डेज आफ्टर हिज बर्थ हिज मदर डाइड, देयरफॉर ही वॉज रेज्ड बाय हिज आंट प्रजापति गौतमी. ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि हु वॉज गौतम बुद्धाज आंट, नॉट हिज मदर. मदर का नाम महादेवी या महामाया है, याद रखिएगा, बट उनकी आंट जो कि उनकी माँ के मरने के बाद उनकी देखभाल करी, गौतम बुद्ध की देखभाल करी. तो द आंसर इज प्रजापति गौतमी. ठीक है, ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16. गौतम बुद्ध वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16 टू यशोधरा. तो गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा. क्लियर है, अभी तक हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली फॉर पर्पज ऑफ MCQ. बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में. ठीक है, किस ईयर में हुआ, 563 BC. What was the name of his father? The name of the father was Shuddhodana. He was a chief of Shakya clan. And I had already explained अभी earlier. ठीक है, His mother, what was the name of the mother of Buddha? Maya Devi or Mahamaya. ठीक है, She was from Kolyan clan. ठीक है, ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन हाँ ठीक है, It's better if you are able to remember this. ठीक है, She was also from a clan called Kolyan clan. The childhood name of Buddha was Siddhartha. ठीक है, कुछ दिनों बाद उनके बर्थ के उनकी माताजी की मृत्यु हो गई. उनकी माताजी की मृत्यु के बाद हिज आंट टुक केयर ऑफ बुद्ध एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग हिम अप. ओके, द नेम ऑफ द आंट वॉज प्रजापति गौतमी. ठीक है, ही बुद्धा वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16 एंड बुद्धा की वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा. क्लियर है, ठीक है, शी वॉज ऑल्सो ऑफ शाक्या क्लैन. अदर लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में और भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है, यशोधरा के, जैसे गोपा, बिम्बा, भाद चाखना एट्सेट्रा. ठीक है, बट यशोधरा ही पूछा जाता है. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आंसर में ऑप्शन में यशोधरा ही दिया होगा, ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे. मे दीज आर स्टिल डिस्प्यूटेड. द मोस्ट कॉमनली अग्रीड नेम ऑफ बुद्धा सपोजिड वाइफ इज यशोधरा. ओके, क्लियर. नाउ बुद्धा के जो बच्चे था, बुद्धा के जो बच्चे थे, ठीक है, जो पुत्र थे, उनका नाम क्या था, द नेम वॉज राहुल. वॉट वॉज द नेम ऑफ बुद्धाज सन, हिज नेम वॉज राहुल. नाउ एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, आई विल कम बैक एंड टेल यू
कि फाइनली हुआ क्या बुद्धा की लाइफ में, तो मैंने बताया कि बुद्धा बचपन से बहुत ज़्यादा प्रिविलेज थे, ठीक है. उन हिज फादर शुद्धोधना मेड श्योर दैट ही डज नॉट सी द आउटसाइड बिजली, ही डज नॉट गेट इन्वॉल्व विद द पेन, ही डज नॉट गेट टू नो अबाउट द ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स. ही इज ओनली लिविंग अ पार्शियल लाइफ, सिर्फ पार्शियल जिंदगी जी रहे हैं, वो असलियत नहीं जान रहे हैं. बट चार ऐसी दृश्य देखे बुद्ध ने आके अपनी जिंदगी में वापस, जो उनके बुद्धत्व की जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है. व्हाट वाज दोज फोर सीन्स? नंबर वन, एन ओल्ड मैन. ये पूछा जाता है, ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट वाज दोज फोर सीन्स दैट बुद्ध सॉ, ओके, दैट मेड हिम टर्न इन टू दिस लाइफ और दैट मेड हिम टर्न इन टू द पाथ ऑफ बुद्धिज्म, ओके. सो द नंबर वन इज एन ओल्ड मैन, ठीक है. उनको अभी तक ये नहीं मालूम था कि आदमी बूढ़ा भी हो जाता है, शरीर बूढ़ा होने लगता है, शरीर में कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं ओवर टाइम, एंड पर्सन डाइज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओके. आफ्टर 80-90 ऑड ईयर्स अ पर्सन डेफिनेटली डाइज. दिस वॉज समथिंग दैट वॉज अननोन टू बुद्धा. तो पहली चीज, उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा. सेकेंड वॉज अ सिक पर्सन. प्लीज राइट दिस डाउन एज आई एम एक्सप्लेनिंग. द नंबर वन साइट दिस फोर सीन्स आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस. नंबर वन वॉज द ओल्ड मैन, सेकेंड वॉज अ सिक पर्सन, थर्ड वॉज अ डिसीज्ड एंड ब्लेस्ड सेंट्स, ठीक है, डिसीज्ड सेंट एंड अ ब्लेस्ड सेंट. डिसीज्ड मतलब मरे हुए, मौत देखी उन्होंने पहली बार, ठीक है, मौत देखी पहली बार, डेथ, ओके. एंड दैट इज व्हेन ही डिसाइडेड टू अबैंडन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड लेफ्ट द होम वाइल दे वर स्लीपिंग. तो राहुल और यशोधरा जब सो रहे थे, तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि अब मेरे को तो ज़िंदगी का असलियत मालूम ही नहीं है, मुझसे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें छुपा के रखी गई हैं, तो नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो ऑन टू द जर्नी ऑफ एनलाइटनमेंट एंड सर्च फॉर द ट्रूथ, ओके. सो दिस इज हाउ बुद्धाज लाइफ बिगैन. क्लियर है, ठीक है. एट द टाइम ऑफ रिनन्सिएशन, जब उन्होंने सब कुछ छोड़ा, रिनन्सिएशन मतलब होता है त्याग देना, सब कुछ छोड़ना, बुद्धा वॉज 29 ईयर्स ओल्ड. अबैंडनिंग दिस रिनन्सिएशन, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में से, ठीक है. दिस रिनन्सिएशन हैज बीन कॉल्ड एज महाभिनिष्क्रमणा. महाभिनिष्क्रमणा बोला गया है इस चीज को. महाभिनिष्क्रमणा इज कॉल्ड रिनन्सिएशन. रिनन्सिएशन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जब बुद्धा ने अपने घर छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के फाइनली निर्वाण और फाइनली एनलाइटनमेंट के रास्ते पे आए, ठीक है, दैट एंटायर प्रोसेस हैज बीन कॉल्ड एज महाभिनिष्क्रमणा. महाभिनिष्क्रमणा, ओके. अब क्या है, यहां पे उन्होंने एक आदमी से मुलाकात की, अलार कालम नाम के, वैशाली, वैशाली क्या कहते हैं आपका, बिहार में था, ठीक है, और फाइनली राजगृह पहुंचे, ठीक है, अगेन इन बिहार, ओके. क्लियर है. अब देखिए, ठीक है, कि उनका एनलाइटनमेंट हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, किस दिन हुआ, यह भी कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो प्लीज राइट इट डाउन. गौतम गॉट एनलाइटेंड इन द माइट ऑफ वैशाख पूर्णिमा. वैशाख पूर्णिमा की रात को उनको एनलाइटनमेंट मिला, ऐसा माना जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, ठीक है, कि इट वॉज द नाइट ऑफ वैशाख पूर्णिमा वेन बुद्धा गॉट इज एनलाइटमेंट आफ्टर सिक्स ईयर्स, आफ्टर कंप्लीट सिक्स ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस मेडिटेशन अंडर अ बोधि ट्री इन बोध गया एट द एज ऑफ 35. वेरी इंपॉर्टेंट. Where did Buddha achieve enlightenment? This is a question that has been repeatedly asked in examinations. हर बार examinations में पूछा जाता है. तो जन्म उनका हुआ था लुम्बिनी नेपाल में. Where did he achieve enlightenment? Under a Bodhi tree. ठीक है, under a Bodhi tree in Bodh Gaya. This is in Bihar. ठीक है, Bodh Gaya at the age of 35. He had left the home in the age of 29 plus 6 years. Okay, which makes it 35. After 6 years of continuous meditation, Buddha finally attained enlightenment. ठीक है, and he was called the Buddha. Another name of Buddha is Tathagat, which means whose truth is knowledge. Tathagat. Clear है? Clear है? उनको फिर Shakyamuni नाम से भी जाना गया. ठीक है? Shakyamuni नाम से भी जाना गया. क्यों? क्योंकि उन वो जो है, उन वो किस क्लैन से बिलोंग करते थे? Shakya. मैंने अभी बताया था ना, इनके फादर जो थे वो चीफ थे Shakya क्लैन के, शुद्धोधना. ठीक है, सो उनको शाक्यमुनि भी बोला गया. अनदर नेम ऑफ बुद्ध दैट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन सर, शाक्यमुनि. आफ्टर एनलाइटनमेंट बुद्धा स्टार्टेड प्रीचिंग हिज ओपिनियन. बुद्धा स्टार्टेड प्रीचिंग हिज ओपिनियन. यहीं पे बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट सर्मन्स और ये सारी चीजें यहां से इंट्रोड्यूस हो गई. जैसे बुद्धा को खुद ज्ञान मिला, वो खुद एनलाइटन हो गए. ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग ऑल ऑफ दिस एंड ही स्टार्टेड डिस्बर्सिंग ऑल ऑफ दिस नॉलेज अक्रॉस
the area under which he was living. उस सारे आसपास के एरियाज में उन्होंने धीरे धीरे अपने सर्मन्स को प्रीच करना चालू किया. फिर यहीं से जन्म हुआ बुद्धिस्ट काउंसिल्स का, यहीं से जन्म हुआ बुद्धिस्ट सर्मन्स का. ठीक है, तो यहाँ से उस आइडिया का एक्चुअल मतलब कि यू नो द इंसेप्शन ऑफ दैट आइडिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, पहला बोधगया से वो ऋषिपट्टनम पहुंचे, प्रेजेंट डे सारनाथ. ठीक है, पहला सर्मन मैंने आपको बताया, पहला सर्मन कहाँ दिया? ठीक है, सारनाथ में दिया. पहला सर्मन कहाँ दिया? सारनाथ में दिया. प्लीज राइट दिस डाउन. वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन आफ्टर एनलाइटनमेंट? इन सारनाथ वाराणसी. देयर ही गेव द फर्स्ट सर्मन टू 5 ब्राह्मण सन्यासीज. दिस सर्मन वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज धर्म चक्र परिवर्तन. वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट इज धर्म चक्र परिवर्तन इज ऑफन आस्ड इन MCQs. ठीक है, चार ऑप्शन दिए होंगे और धर्म चक्र परिवर्तन बोलेगा. तो याद रखिएगा, आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 35, When Buddha wanted to preach this knowledge, he began to give sermons. जब बुद्धा 35 साल की उम्र में मेडिटेशन से एनलाइटनमेंट अचीव कर चुके थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ इट इज टाइम, अब ये टाइम आ चुका है कि आई स्टार्ट, मैं ये नॉलेज दूसरों को भी बांटूं. ठीक है, देन वहां से उन्होंने पहला सर्मन अपना दिया सारनाथ वाराणसी में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को उन्होंने अपना पहला सर्मन दिया एट सारनाथ वाराणसी, और इसी सर्मन को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं. ठीक है, क्लियर है. कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड. ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, वो पूछते हैं कि ये सिंबल बुद्धा की लाइफ में क्या सिग्निफाई करते हैं. ठीक है, तो बर्थ के लिए लोटस एंड बुल है, तो लोटस एंड बुल का जो सिंबल है वो बर्थ सिग्निफाई करता है. तो लोटस एंड बुल का सिंबल, व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज बर्थ एज इट क्लियरली गिवन हियर. व्हाट डज हॉर्स सिग्निफाई? हॉर्स सिग्निफाई महाभिनिष्क्रमण. ये चीज मैंने क्या बताया था, ये क्या है? रिनंसिएशन. जब वो घर से निकले थे, ठीक है, जब वो घर से निकले थे एट द एज ऑफ 29, द रिनंसिएशन, सब कुछ त्याग देना. ठीक है, तो वो डिटरमाइन करता है, वो सिंबलाइज करता है हॉर्स. हॉर्स सिंबलाइजेस दैट पार्ट ऑफ बुद्धाज लाइफ. एनलाइटनमेंट, निर्वाण जब मिला, एनलाइटनमेंट ये किससे सिंबलाइज हुआ जाता है? तो पीपल, बोधी ट्री, क्योंकि बोधी ट्री के नीचे मिला, बोध गया में मिला. ठीक है, बोध गया में उनको निर्वाण मिला. फर्स्ट सर्मन धर्म चक्र परिवर्तन एट वेयर? सारनाथ वाराणसी. सारनाथ, ओके, इज डिपिक्टेड बाय व्हील. ठीक है, तो व्हील चक्र क्या सिग्निफाई करता है? पहला सर्मन धर्म चक्र परिवर्तन जो उन्होंने सारनाथ वाराणसी में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को दिया था. डेथ, परिनिर्वाण. डेथ ऑल्सो हैपन बिहार, तो उसको स्तूपा से, स्तूपा, ठीक है, सबसे बड़ा और फेमस सांची में है, आपने देखा होगा स्तूपा, नथिंग बट आर्किटेक्चरल मार्बल्स. ठीक है, एक डोम टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है स्तूप नाम का. ठीक है, सांची में सबसे बड़ा स्तूप और सबसे फेमस स्तूप पाया जाता है. ठीक है, तो वो जो स्तूप है, स्तूपा है, जो भी आप कह रहे हैं उसको, ठीक है, दैट सिग्निफाइज डेथ और परिनिर्वाण. निर्वाण और परिनिर्वाण में डिफरेंस है, याद रखिएगा. निर्वाण इज एनलाइटनमेंट. ठीक है, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण इज डेथ. ठीक है, तो डेथ ऑफ बुद्धा इज सिंबलाइज्ड बाय स्तूप. ओके, क्लियर. ठीक है, अब अगर हम इधर आ जाएं, तो यहां पे कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं. ठीक है, बुद्धा वैशाली गए. ठीक है, जो लिच्छावियों का कैपिटल था, बस इतना याद रखिएगा. बुद्धा वैशाली गए जो कि लिच्छावियों का कैपिटल था, इससे पहले वो राजगृह में थे. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लें, ये क्या कहते हैं, बिहार में ही है. ओके, अब देवदत्त के बारे में कई बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द कजन ऑफ बुद्धा हु लेटर बिकेम द एनिमी ऑफ बुद्धा. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने एक दो बार जगह कहीं देखा हुआ है कि वॉज द फर्स्ट हु वॉज कजन ऑफ बुद्धा वॉज फर्स्ट वेरी फ्रेंडली. ठीक है, बट लेटर बिकेम एनिमी ऑफ बुद्धा. ठीक है, तो आंसर इज देवदत्त. देवदत्त वॉज द कजन ऑफ बुद्धा. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देवदत्त, देख सकते हैं आप. ठीक है, देवदत्त वॉज द कजन ऑफ बुद्धा. देवदत्त फर्स्टली बिकेम अ फॉलोअर एंड देन बिकेम एन एनिमी ऑफ बुद्धा. ही वॉन्टेड टू रिमूव बुद्धा फ्रॉम द बुद्धिस्ट संघ. ठीक है, ओके, नाउ द कम्स द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ. एट फोल्ड पाथ का कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए. इट इज आस्ड ऑफन. ठीक है, तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स एंड गौतम बुद्ध हिमसेल्फ प्रीच्ड अ मेथड ऑफ
एट फोल्ड पाथ, जब वो अपने सर्मन्स देते थे, जब वो नॉलेज देते थे, तो उसमें उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया ऑफ द एट फोल्ड पाथ और द फोर नोबल ट्रूथ्स। ठीक है, तो पहला हम देख लें कि फोर नोबल ट्रूथ्स क्या हैं। ठीक है, वो चार नोबल ट्रूथ जो गौतम बुद्ध ने बोले कि ये चार सत्य हैं। ठीक है, यही सत्य हैं। ठीक है, और यही गौतम बुद्ध ने 6 साल की मेडिटेशन में ढूंढ के निकाला। ठीक है, तो उनको समझ में आया कि देर आर फोर नोबल ट्रूथ्स एंड एट फोल्ड नोबल पाथ, आठ फोल्ड नोबल पाथ है और चार जीवन के सत्य हैं। नंबर वन, देर इज सफरिंग। ओके, सफरिंग तो है। ठीक है, देर इज सफरिंग मतलब देर इज प्रॉब्लम, देर इज सैडनेस, देर इज पेन, देर इज सफरिंग। एंड सफरिंग किसी ना किसी वजह से है। ठीक है, ये इमटीरियल नहीं है, ये इररेलेवेंट नहीं है, किसी ना किसी वजह की वजह से सफरिंग है। ठीक है, देर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, सेसेशन मतलब खत्म होना, स्टॉप, सीजेस टू एग्जिस्ट, अगर कहीं लिखता है तो मींस इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, स्टॉप, सेसेशन मींस स्टॉपेज। ओके, फोर्थ, देर इज अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। क्लियर, देर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। एक रास्ता है जिसके तरह से, जिस तरह से, जिस तरीके से आप अपनी सफरिंग को बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको अपनी सफरिंग को रोकना है तो यू हैव टू फॉलो द एट फोल्ड पाथ। ठीक है, नोन एज आर्य सत्य, एट फोल्ड पाथ को आर्य सत्य भी कहा गया है। क्लियर, नाउ अनदर सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बुद्धिज्म जैनिज्म में, बुद्धिज्म में स्पेशली इसी से आते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, चौथी कब हुई, किसने कराई, कौन प्रिसाइड किया, किस जगह पे हुई। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो प्लीज राइट इट डाउन एंड रिमेंबर दिस। ठीक है, टिल द वेरी एंड ऑफ द एग्जामिनेशन दिस माइट वेरी वेल बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन योर पेपर। ओके, तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी मतलब बुद्ध के सर्मन्स को प्रीच करने के लिए अलग अलग जगहों से लोग आते थे और खुद बुद्ध या बुद्ध के स्कॉलर्स जा जाके वहां पे सर्मन्स देते थे, अपने मैसेजेस को प्रीच करते थे। ठीक है, पहला, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द ईयर, विच ईयर, 483 BC। कुछ ईयर टाइमलाइन याद रखिएगा, पहला ईयर जो मैंने आपको बताया था याद करने के लिए, दैट इज 563 BC। व्हाई? बिकॉज दिस वॉज द बर्थ ईयर ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, द ईयर 563 BC। The second one is 483 BC, which was the year of first Buddhist council. Where was it held? The place was Rajgrih. ठीक है, the place was Rajgrih, Rajgir या Rajgrih, इसको Rajgir भी लिखा जाता है, तो please confuse मत होइएगा, more or less the same thing. Rajgrih, who was the president, who presided over that particular Buddhist council? तो Mahakashyap, Buddhist scholar and Buddhist follower, Mahakashyap was the president. ठीक है, एंड अंडर हुज रीन उस टाइम रूलर कौन था? ठीक है, तो किसकी रीन में ये हुआ? अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु बिकम्स द करेक्ट आंसर। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का ईयर पूछा जा सकता है, तो दैट इज 483। दे कैन आस्क यू प्लेस, तो द प्लेस इज राजगीर और राजगृह। द प्रेसिडेंट और हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, महाकश्यप। एंड हु वॉज द रूलर ड्यूरिंग हुज टाइम The first Buddhist council was convened, तो आंसर बन जाता है अजात शत्रु। Second Buddhist council was 383 BC। ठीक है, Second Buddhist council was 383 BC। क्लियर है, इन द ईयर 383 BC, देखिए 483 383, 100 साल का गैप। प्लेस वैशाली। क्लियर है, वैशाली में था, पहला वाला राजगृह, दूसरा वाला वैशाली। Who was the president? The president was Sabkami. Sabkami presided over the second Buddhist council. So who was the president? Sabkami. And who was the ruler? Ruler was Kalasok. Third Buddhist council, dekhiye, 247 BC in Pataliputra. Okay, who was the president? Mogliputta Tisa. Naam thoda ajeeb hai, but haan, kisi na kisi tarah se yaad kar hi lenge aap log. Theek hai, to dekh lijiye, Mogliputta Tisa was the name of the person who convened the or who presided over the third Buddhist council. Or kis ruler ke time hui thi? To Ashok. Ashok becomes your answer. Ashoka.
ओके. द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, दिस वॉज हेल्ड इन फर्स्ट सेंचुरी एडी, काफी बाद में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में, कुंडल वन इन कश्मीर, कश्मीर में हुई थी, ठीक है. हु प्रिसाइडेड ओवर इट? टू बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, ओके, वासुमित्र, हु वॉज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बन के प्रिसाइड किया वासुमित्र ने, वाइस प्रेसिडेंट मिलके, वाइस प्रेसिडेंट बन के प्रिसाइड किया अश्व घोष ने, ठीक है, अश्व घोष. एंड हु कन्वीन्ड इट? किसके टाइम, किसकी रीन में हुआ ये? उस टाइम रूलर कौन था? तो कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी के रूलर, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, सबसे प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी, कनिष्क. ओके, इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, द मैक्सिमम क्रेडिट फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अक्रॉस द ईस्ट इन अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया, अब इंडिया के अलावा जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जापान, चाइना, यहाँ तक बुद्धिज्म पहुँचाना, बुद्धिज्म के टेनिस्ट पहुँचाने का बहुत बड़ा श्रेय, सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जाता है? तो कनिष्क को जाता है. कनिष्क वॉज द मोस्ट क्रेडिटेड, कुड बी द मोस्ट क्रेडिटेड पर्सन वेन इट कम्स टू स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अक्रॉस इंटायर एशिया, ईस्टर्न एशिया, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया के बाहर कनिष्क को आप कह सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिएगा, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है. अब इसके बाद कुछ लिटरेचर्स हैं, ठीक है, जो हमें याद रखनी है. तो बुद्धिस्ट पिताक लिखते थे, बुद्धिस्ट किताबों को किसी ना किसी पिताका या किसी सूत्र में लिखा गया है, ठीक है. विनय पिताका है, त्राई पिताका है, हम अभी हम देखेंगे, बट आपको बेसिकली ये जानना है कि अपनी स्टोरीज, अपने अपने लेक्चर्स, अपने मैसेजेस, एवरीवन दैट एवरीथिंग दैट बुद्धिस्ट काउंसिल्स यू नो ट्राई टू टीच यू, और एवरीथिंग दैट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स वॉन्टेड टू कन्वे, दी इधर कन्वेड इट इन बुद्धिस्ट काउंसिल्स, और वो अपने लिटरेचर जिसको हम पिताका भी कहते हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट पिताका भी कहते हैं, उसमें वो लिख देते थे, ठीक है. इन ऑर्डर टू प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, महात्मा बुद्ध, द बुद्धिस्ट कंपाइल्ड न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर कॉल्ड त्रिपिटक. त्रिपिटक इसलिए क्योंकि ये तीन कैटेगरी में डिवाइड हो सकती है. तीन पिताका थीं जो इंपॉर्टेंट थी, पहला सूत पिताका, तीसरा विनय पिताका, और तीसरा दूसरा विनय पिताका और तीसरा अभिधाम पिताका, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो अपने सारे टीचिंग्स को एक नए टाइप ऑफ लिटरेचर विच इज ट्राई पिताका, ठीक है, क्योंकि तीन थे तो ट्री, त्री, ट्राई, जैसा भी पढ़ लें आप, ठीक है. पहला सूत पिताका, दूसरा विनय, तीसरा अभिधाम. सूत पिताका क्या था? कंटेन्स द सेइंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. तो सूत पिताका में मैं यहाँ एसपी लिख रहा हूँ, ठीक है, सेइंग्स एंड टीचिंग्स, ठीक है, तो उसकी सेइंग्स और टीचिंग्स. विनय पिताका में क्या है? रूल्स. तो रूल्स कहाँ लिखे हुए हैं? विनय पिताका में. अभिधाम पिताका में फिलोसफिकल एक्सपोजिशन, उसकी फिलोसफी. तो इस तरह से याद रखिएगा, सूत पिताका में क्या लिखा हुआ है? सेइंग्स, ठीक है. विनय पिताका में रूल्स, अभिधाम पिताका में फिलॉसफी. क्लियर है? ओके. बाकी ये सेवन बुक्स, क्या कहते हैं, अभिधाम पिताका कंसिस्ट ऑफ सेवन बुक्स एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके. कई बार ये पूछा जाता है कि भूमि स्पर्श मुद्रा, ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, आई थिंक द ईयर 2012, बट और भी एग्जामिनेशन में पूछा गया कि भूमि स्पर्श मुद्रा एक पर्टिकुलर पोजीशन है बुद्ध की, जिसमें वो कई बार देखे गए हैं इन स्क्रिप्चर्स, इन इंस्क्रिप्शंस अगर आप देखेंगे तो एक इमेज बनाई गई है बुद्धा की, जिसमें वो एक मुद्रा में लेटे हुए हैं, पर्टिकुलर पोजिशन में लेटे हुए हैं, उसका नाम है भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है. उसका मतलब क्या होता है? तो देख लीजिए, बुद्धा इज सीन सीटिंग विथ हिज राइट हैंड एज अ पेंडेंट ओवर राइट नी, रीचिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड विथ पाम इनवर्ड वाइल टचिंग द लोटस थ्रोन, ठीक है. तो बेसिकली लोटस थ्रोन को नीचे से अपने पाम को इनवर्ड तरीके से ऐसे लोटस थ्रोन को छूते हुए नीचे जो पोर्शन है जिसमें वो अपनी राइट की तरफ लेटे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज भूमि स्पर्श मुद्रा. क्लियर? ओके. या नाउ देर वर सम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ड्यूरिंग बुद्धिस्ट टाइम. नंबर वन इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सेकंड इज नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा और तक्षशिला सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज थी उस टाइम की, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी इंपॉर्टेंट थी. नालंदा महायान बुद्धिज्म और वल्लभी में क्या कहते हैं, हीनयान बुद्धिज्म. नालंदा जो है वो महायान बुद्धिज्म, वल्लभी हीनयान बुद्धिज्म.
विक्रमशिला महावीर एक यूनिवर्सिटी है दैट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई पाला किंग धर्मपाला. तो विक्रमशिला महाविहार यूनिवर्सिटी किसने बनाई है अगर पूछेगा तो आंसर इज, प्लीज राइट डाउन द आंसर इज धर्मपाल. ये पाला रूलर के, पाला डायनेस्टी के रूलर हैं. ठीक है, तो हु एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला महावीर यूनिवर्सिटी, दे माइट आस्क यू. द आंसर इज एस्टैब्लिश्ड बाई पाला किंग धर्मपाल. ओके, नाउ एंड अगर नालंदा पूछा जाए तो कुमार गुप्त इज द आंसर. कुमार गुप्त ने बनाई है नालंदा यूनिवर्सिटी. एनीवे, ठीक है, महायान और हीनयान देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी. महायान क्या है? लिटरली मीन्स ग्रेट व्हीकल. बुद्धा इज कंसिडर्ड अ गॉड. ओके, तो महायान और हीनयान में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि महायान में बुद्धा इज गॉड, इज कंसिडर्ड एज गॉड, भगवान का रूप. हीनयान में ही इज कंसिडर्ड एज अ मैन, ही इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट मैन. तो भगवान नहीं माना जाता है उनको, ही इज कंसिडर्ड जस्ट एज अ ग्रेट मैन. बिलीव इन सोल एंड रीबर्थ. ठीक है, बिलीव इन सोल एंड रीबर्थ. यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अपने एफर्ट से, ठीक है, हीनयान वाले बुद्धिज्म वालों को लगता है अपने एफर्ट से आप सेल्वेशन या निर्वाण की तरफ ज्यादा अच्छे से पहुंच सकते हैं. ठीक है, इम्फेसाइज ऑन फिलोथ्रपी एंड सर्विस, इट्स ऑब्जेक्टिव इज वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. तो महायान बुद्धिज्म का कोर क्या है, कोर टेनेट क्या है? फिलोसफी एंड सर्विस, फिलेंथ्रोफी एंड सर्विस, सॉरी नॉट फिलोसफी, फिलेंथ्रपी. फिलेंथ्रपी मीन्स चैरिटी. ठीक है, मतलब बिना अपना सोचे, बिना अपना फायदा देखे दूसरे को भला करिए. ठीक है, दैट इज वॉट इज मेंट बाय फिलेंथ्रपी एंड सर्विस. ठीक है, वेर एज हियर इट डज नॉट बिलीव इन आइडियल वर्शिप एंड डिवोशन. आई जस्ट टोल्ड यू दे डू नॉट डिसरिगार्ड द आइडिया ऑफ गॉड. इफ दे डिसरिगार्ड द आइडिया ऑफ बुद्धा बीइंग अ गॉड, वो उसकी आइडियल वर्शिप नहीं करेंगे, मूर्ति लगा के पूजा नहीं करेंगे. क्लियर? एम क्या है? टू अटेन अर्हत सिमिलर टू एनलाइटनमेंट. ठीक है, और यहां पे मैंने क्या बताया, एम क्या है? फिलोसफी एंड सर्विस. तो हीनयान महायान बुद्धिज्म में ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं. सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें ये बुद्ध को भगवान मानते हैं महायान फॉलो करने वाले लोग, और हीनयान फॉलो करने वाले लोग उसको इंसान मानते हैं. क्लियर है? ठीक है, नाउ सम इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट. ओके, ये देख लीजिए, ये पूछे जाते हैं. ठीक है, तो मैंने अलग से लिख दिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो प्लीज रिमेंबर. ठीक है, इनमें से सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अभी हम देख लेते हैं. ठीक है, पहला है मिलिंद पन्हो. मिलिंद पन्हो किसने लिखी है? ठीक है, हु हैज रिटन मिलिंद पन्हो? दिस इज एनी वे अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एंशियंट इंडिया. ओके, कि मिलिंद पन्हो का राइटर कौन है? जैसे बुक्स एंड ऑथर्स में अलग से आप कहीं कंपाइलेशन पढ़ोगे या रिवाइज कर रहे होगे तो यू कैन कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन, इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्ट. मिलिंद पन्हो इज रिटन, हु इज द ऑथर ऑफ मिलिंद पन्हो? नागसेन. ठीक है, नागसेन इज द ऑथर ऑफ मिलिंद पन्हो. ठीक है, नागसेन बिकम द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ चार किताबें जो अश्वघोष बहुत फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे और हर जगह हर इंस्क्रिप्शन पे, हर बुक में, कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट या लिटरेचर के बारे में पूछा जा रहा है तो वन क्वेश्चन वुड बी रिलेटेड टू द वर्क्स डन बाय अश्वघोष. सो दीज आर थ्री फेमस वर्क्स, तीन फेमस लिखे हुए हैं. पहला बुद्ध चरित्र, बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी टाइम दे आस्क दिस क्वेश्चन, हु इज रिटन बुद्ध चरित्र, वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चंस एंड वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस. द आंसर इज बुद्ध चरित्र इज रिटन बाय अश्वघोष. ठीक है, सौदारानंद, दैट इज ऑल्सो रिटन बाय अश्वघोष. सारीपुत्र प्रकरण इज ऑल्सो रिटन बाय अश्वघोष. तो तीन किताबें, बुद्ध चरित्र, सौदारानंद एंड सारीपुत्र प्रकरण, ऑल थ्री ऑफ देम रिटन बाय अश्वघोष. Who has written मध्यमी काकरीका? मध्यमी काकरीका जो लिटरेचर है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वो किस बुद्धिस्ट स्कॉलर ने लिखा है? तो द आंसर बिकम्स नागार्जुना. नागार्जुन इज द राइटर ऑफ मध्यमी काकरीका, बुद्धिस्ट टेक्स्ट. ओके, Who has written विशुद्धिमग? विशुद्धिमग has been written by बुद्धघोष. विशुद्धिमग बुद्धघोष ने लिखा है. अभिधाम घोष, अभिधाम मैंने क्या बताया था? अभिधाम इज अभिधाम पिता का, ट्राई पिता का बताया था मैंने आपको. ठीक है, पहला क्या था? सूत पिता का, कंटेन्स द सेइंग्स ऑफ बुद्धा. विनय पिता का, कंटेन्स रूल्स टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग लाइफ. ओके, अभिधाम पिता का कंटेन्स द फिलोसफी बिहाइंड द बुद्धिस्ट टीचिंग्स. क्लियर? तो उसी तरह से अभिधाम कोश, हु रोट इट? वासुबंधु. सो वासुबंधु वॉज द बुद्धिस्ट स्कॉलर हु रोट अभिधाम कोश. क्लियर? नाउ सर्टेन एमसीक्यूज. ठीक है, देख लीजिए,
पहला क्या है, वन वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू 563 BC इज द करेक्ट आंसर, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन द ईयर 563 BC लिखा हुआ है यहाँ पे, और उन्होंने सिद्धार्थ शाक्य क्षत्रिय फैमिली इन लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, ठीक है, नियर कपिलवस्तु। आंसर अगर पूछे और उसमें कपिलवस्तु और लुम्बिनी दोनों दिया हो तो बेटर ऑप्शन इज लुम्बिनी, लुम्बिनी मार्क करिएगा, ठीक है। फादर्स नेम वॉज शुद्धोधना, चीफ ऑफ शाक्य क्लैन, मदर्स नेम माया देवी महामाया, बट शी डाइड वेन बुद्धा वॉज वेरी यंग एंड हेंस हिज आंट प्रजापति गौतमी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर हिम, ओके। देन एट द एज ऑफ वट, एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट फॉर रिनंसिएशन, ही लेफ्ट एवरीथिंग, ठीक है। उसकी माता किस क्लैन की थी, उनकी माता जी किस क्लैन की थी, कोलियान क्लैन, क्लियर है, ओके, क्लियर। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 में मौत हो गई उनकी कुशीनगर में, ठीक है। तो कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैंने शायद आपको पहले बिहार बोला था, बट बिहार में उनका एनलाइटनमेंट हुआ था, डेथ उनकी कुशीनगर में हुई थी, प्लीज कलेक्ट दिस, ठीक है। विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिक्ष कर्म, मैंने क्या बताया था आपसे, वो मोमेंट जहां पे वो रिनंसिएशन, जहां पे वो चीजें छोड़ के चले गए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए, वो सो रहे थे, ठीक है। यशोधरा एंड राहुल वर स्लीपिंग व्हेन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध डिसाइडेड टू वॉक आउट एंड सर्च फॉर द आंसर ऑफ ट्रूथ, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज रिनंसिएशन और महाभिनिक्ष क्रमना, सो द आंसर बिकम्स सी, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, क्लियर। गौतम बुद्धाज मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौतम बुद्धाज मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन, अभी मैंने बताया आपको द आंसर इज डी, कोलियान क्लैन से हैं गौतम बुद्ध की मदर, तो द आंसर इज डी, क्लियर, ओके। नाउ कम टू फोर, गौतम बुद्ध वेयर वॉज ही बॉर्न, देखिए लुम्बिनी भी दिया है, कपिला वस्तु भी दिया है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कई बार ऐसा ऑप्शन हो सकता है कपिलवस्तु और लुम्बिनी दोनों दिया हो, बट यू विल ऑलवेज मार्क द करेक्ट आंसर एज लुम्बिनी, ठीक है। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी इन द ईयर, विच ईयर बताइए, 563 BC इन लुम्बिनी नेपाल, यहां पैदा हुए, एनलाइटनमेंट लिख लीजिए, कहां पे बोध गया, अंडर बोधी ट्री बिहार, डेथ महापरिनिर्वाण और परिनिर्वाण वेर कुशीनगर, ओके, वेर कुशीनगर यूपी में है, गोरखपुर से थोड़ा 1-1.5 घंटे की दूरी पे, क्लियर है। अब आ जाइए, एक ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ द, फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नोन एज बुद्धाज बर्थ प्लेस, तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आपको ये जानना जरूरी है कि बुद्ध के टाइम पे कौन सा रूलर था या कौन सी डायनेस्टी चल रही थी जब गौतम बुद्ध वॉज हियर, ओके। तो उनके कंटेम्प्रेरीज और उनके आसपास कौन से ऐसे लोग थे वो भी जान लीजिए, और उस टाइम राजा कौन थे वो भी जान लीजिए। तो बुद्ध वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस को आप चाइनीज बुद्धा कह सकते हो, ठीक है, वेरी ग्रेट चाइनीज थिंकर, सॉक्रेटिस प्लेटो इन सबके कंटेम्प्रेरी थे, ओके, दीज आर द नेम्स दैट यू माइट हैव हर्ड ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स, ओके। सो फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शंस, मैंने बताया गौतम बुद्ध वॉज अलाइव और गौतम बुद्ध वॉज प्रेवलेंट, वी स्टडी अबाउट गौतम बुद्ध इन द डायनेस्टी ऑफ मौर्यास, तो मौर्या बिकम द करेक्ट आंसर, द मौर्यन बिकम्स द करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ विच ऑर नॉट द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ बुद्धा कन्फर्म्स द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रूमिंदाई पिलर इंस्क्रिप्शन, रूमिंदाई पिलर इंस्क्रिप्शन, एक दो जगह पे क्वेश्चंस आए हैं मैंने यहाँ पे, आप देख भी सकते हैं, ठीक है, कि यूपी का एक एग्जाम था 2010 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, एंड इट्स नॉट ओनली इन दिस पेपर, अ लॉट ऑफ पेपर दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ओके। द आंसर इज रूमिंदाई पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस इज लुम्बिनी, क्लियर।
The inscription of which one of the following kings gives the information that Sakyamuni Buddha was born in Lumbini? Sakyamuni, मैंने already बताया आपको, ठीक है? Sakyamuni Buddha का दूसरा नाम था, ठीक है? तो किस inscription से होती है? तो उसका inscription का answer है Ramandini, ठीक है? देख सकते हैं आप, यहाँ पे किस inscription से पता चलता है? तो the answer is Ramandini inscription, Ramandi inscription से पता चलता है. ठीक है. एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव द इंफॉर्मेशन? अगर कोई किंग अपने अकाउंट में इंफॉर्मेशन किसने लिखी है, तो दो तरीके से पता चलता है हमें कि लुम्बिनी बर्थ प्लेस है. एक रोमिंदी इंस्क्रिप्शन, रोमिंदई इंस्क्रिप्शन से, क्लियर है. और दूसरा कौन सा ऐसा किंग है, ठीक है, इसमें से मौर्यन किंग कौन सा ऐसा है जिसने अपने टाइम पे अपनी बुद्धिस्ट लिटरेचर या अपना खुद का कोई और लिटरेचर, कुछ भी जो लिख रहे हो या उसके कोटेशंस, उसके कोट पोएट्स लिख रहे हो, ठीक है, उन्होंने उसमें ये बात लिखी है कि लुम्बिनी में जन्म हुआ है बुद्ध का. तो ये एक और सोर्स हो जाता है जिससे हमें पता चलता है. तो क्या है वो दूसरा सोर्स? किस राजा का है? अशोक, बिकॉज अशोक, ठीक है, मौर्यन रूलर अशोक ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. क्लियर? Where did महात्मा बुद्धस महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? महापरिनिर्वाण मतलब डेथ कहां हुई? तो द आंसर इज कुशीनगर. मैंने ऑलरेडी बताया, बर्थ लुम्बिनी, निर्वाण एनलाइटनमेंट बोध गया, बोधि ट्री अंडर अ बोधि ट्री, डेथ कुशीनगर. क्लियर? बुद्धा अटेंड द महापरिनिर्वाण, जब बुद्धा की डेथ हुई तो इंडिया में किस उसका रूल था, ठीक है, किनका रूल चल रहा था जब डेथ हुई बुद्धा की, और कौन इंडिया को रूल कर रहा था? द आंसर इज मल्लास, ठीक है, आंसर इज मल्लास, मार्क कर लीजिए, ठीक है, मल्लास बिकम्स द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो बुद्धा किसके टाइम पैदा हुए? मौर्य के टाइम पे, लेकिन जब बुद्धा की डेथ हुई फाइनली, ठीक है, बुद्धा की डेथ हुई फाइनली, ओके, ही वॉज अंडर द, where was he at the time of his death? Kushinagar. I had already told you. And who were the rulers? The ruler were Mallas. Mallas ka kingdom tha us wahan pe. Theek hai? And in which year did he die? Maine already bataya, he died in 483 BC. Born in 563 BC. 563 BC se 483 BC tak ye timeline hai Buddha ki. Please note it down. Okay? अगेन द सेम क्वेश्चन. गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण इन द किंगडम ऑफ, तो मल्लास, याद रखिएगा, मल्लास इज द करेक्ट आंसर. ट्वेल्थ, गौतम बुद्ध अटेंड निर्वाण एट विट प्लेस, निर्वाण उनको कहाँ मिला था? ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बता दिया था, बोधगया इज द करेक्ट आंसर. महापरिनिर्वाण टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो वहीं पे लोकेटेड होगा जहाँ बुद्ध की डेथ हुई थी, जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था. ठीक है, तो कहाँ हुई थी डेथ? द आंसर इज कुशीनगर. कुशीनगर बिकम्स द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? कौन कौन से किंगडम एसोसिएटेड थे? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, देखिए डायनेस्टी तो मैंने आपको बता दी, मौर्यास थे. ठीक है, किंगडम्स कौन कौन से थे वो भी मार्क कर लीजिए. ठीक है, किंगडम्स कौन कौन से थे वो भी मार्क कर लीजिए. तो अवंती इज नॉट द आंसर, अवंती उस टाइम नहीं था. ठीक है, गिवन किंगडम्स में बहुत बुद्ध जो थे वो कोसला और मगध किंगडम, कोसला और मगध किंगडम से एसोसिएटेड थे, और यहाँ पे वो जाके पढ़ाया भी था उन्होंने, यहाँ पे जाके अपनी टीचिंग्स भी दी थी. तो कोसला और मगध, थ्री एंड फोर, विच इज सी, सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर. कोसला एंड मगध, अवंती और गंधारा में से बुद्ध का कोई लेना देना नहीं था. ठीक है, ये दूसरी किंगडम्स थे, यहाँ इसमें बुद्ध का कोई लेना देना नहीं था. अगर बुद्ध से रिलेशन पूछा जाए तो कोसला और मगध, मगध बिहार, जानते ही होंगे आप, 16 महाजनपद थे मगध में. कभी जब हम और अच्छे से दूसरा कोई टॉपिक, ठीक है, बहुत डिटेल में एंशियंट हिस्ट्री का पढ़े होंगे, जैसे मगध हम अगर पढ़े, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा उन 16 महाजनपदों के बारे में, उनमें कौन इंपॉर्टेंट है, उनके कैपिटल्स क्या हैं, ऑल ऑफ दैट आई विल डेल्व इनटू डिटेल्स. बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, तो कोसला एंड मगध. डायनेस्टीज बोलूं तो मौर्यन, मल्लास, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए. हु वॉज द लास्ट पर्सन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम गौतम बुद्ध?
ठीक है, लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटेंड फ्रॉम गौतम बुद्ध द आंसर इज शुभद्द, ठीक है, शुभद्द बिकम्स द करेक्ट आंसर, क्लियर है, ठीक है. तो दीज वर सम ऑफ द MCQs. ओके, नाउ वेरी क्विकली वी विल ऑल्सो डील विथ जैनिज्म. जैन में आपको जानना है, ठीक है, कुछ ही चीज़ें. ओके, आई विल जस्ट डील विथ इट वेरी क्विकली इन 2-3 मिनट्स, बिकॉज जैनिज्म से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जो आते हैं वो फिक्स्ड हैं. ठीक है, तो जैनिज्म के जो टीचर्स होते हैं उनको हम तीर्थंकर कहते हैं. देर हैज़ बीन टोटल 24 तीर्थंकर्स आज तक आ चुके हैं. तीर्थंकर्स कौन है? जैनी टीचर्स, लिख लीजिए. ठीक है, तो जैन टीचर्स जो जैन टीचिंग्स को प्रोपगेट करते हैं उनको हम तीर्थंकर कहते हैं. देर हैव बीन 24 तीर्थंकर्स इन टोटल, 24 तीर्थंकर्स इन टोटल. इनमें से 24 के 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ दो के नाम आपको याद रखने हैं. हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर एंड जो सबसे फेमस तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर, जिनके बारे में, जिनकी वजह से आप जैनरिज्म को पूरा अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाता है जैन फिलोसफी को प्रोपगेट करने का, वर्धमान महावीर, वो किस नंबर के या वो किस पोजिशन पर आते थे, इन 24 में से किस पोजिशन पर कब आए वो, ठीक है. तो ये वॉज द 23rd तीर्थंकर, ठीक है. तो फर्स्ट तीर्थंकर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर इज ऋषभदेव. कई बार पूछा गया है, प्लीज डू नॉट मार्क वर्धमान महावीर एज द आंसर. वर्धमान महावीर वॉज नॉट द फर्स्ट जैन टीचर और जैन तीर्थंकर, द आंसर इज ऋषभदेव. ऋषभदेव वॉज द फर्स्ट जैन टीचर और तीर्थंकर, ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और वर्धमान महावीर 23rd थे. महावीर वॉज द 23rd तीर्थंकर, क्लियर है. ओके, एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मालूम हो जाएगी. तो जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वर्धमान महावीर के पिताजी का नाम भी सिद्धार्थ था, याद रखिएगा. द फादर्स नेम ऑफ वर्धमान महावीर वॉज सिद्धार्थ, क्लियर है, ठीक है, क्लियर. अब आ जाइए आप नीचे, थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है. अब देखिए, महावीर का नाम वर्धमान था वो हमने देख लिया. क्वेश्चन देखने से पहले एक और थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है. उनकी वाइफ का नाम यशोदा था, ठीक है. उनकी मदर का नाम त्रिशला था, देख लीजिए. उनके पापा का नाम सिद्धार्थ था, क्लियर है, क्लियर है, ये नाम नोट कर लीजिए. इसके बाद से नीचे आइए, एक चीज थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, ठीक है. 24th तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ठीक है, वो मैंने आपको 23rd बताया था. 23rd वैसे परसवनाथ थे, लिख लीजिए, थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, ठीक है. 23rd जो हैं वो परसवनाथ हैं, 24th जो थे वो महावीर, वर्धमान महावीर, क्लियर, क्लियर है. 24th आखिरी, ओके. जैन एंड देयर सिंबल्स, ठीक है, जैन तीर्थंकर्स और उनके सिंबल्स कई बार पूछे जाते हैं, तो वो देख लीजिए, ठीक है. ऋषभदेव सिग्निफाइज बुल, ऋषभदेव किससे सिग्निफाई होते हैं? बुल से, ठीक है, बुल सिग्निफाइज ऋषभदेव, ठीक है. अजीतनाथ एलिफेंट, ठीक है. महावीर स्वामी लायन एंड परसवनाथ स्नेक, बस ये इतना याद रखना है. सारे के याद ना भी रहे तो ऋषभदेव क्योंकि पहले तीर्थंकर थे, इज रिप्रेजेंटेड बाय बुल. परसवनाथ जो कि 23rd तीर्थंकर थे, रिप्रेजेंटेड बाय स्नेक. 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर है, इज सिंबलाइज्ड बाय अ लायन. ऑलराइट, जैनी फिलॉसफी में मोक्ष या निर्वाण अटेंड करने के 3 तरीके हैं, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज. इन 3 को ही हम रत्नात्रय कहते हैं. ये पूछा जाता है, व्हाट इज रत्नात्रय? तो 3-fold प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग एनलाइटनमेंट एज पर जैनिज्म. व्हाट आर दीज? राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज. ओके, नाउ वी विल जस्ट क्विकली गो विद द क्वेश्चंस. उससे पहले एक और चीज देख लीजिए, श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट हैं, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है. श्वेतांबर और दिगंबर में फुल फॉर्म, मतलब सॉरी नॉट फुल फॉर्म बट हाँ, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस देख लीजिए,
डिफरेंस ये है कि श्वेतांबर जो है वो व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, कलरफुल क्लोथ्स नहीं पहनते, सिर्फ व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं श्वेतांबर. दिगंबर अबैंडन क्लोथ्स, अबैंडन द आइडिया ऑफ क्लोथ्स एंड प्रेफर टू बी नेकेड, ठीक है, दे आर मोस्टली नेकेड, ठीक है, एंड परफॉर्म ऑस्टेरिटी, कंप्लीट ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, एक्सट्रीम पेनेंस या तपस्या प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ये दिगंबर हो गए. तो दिगंबर ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं अपनी बॉडी को लेके, क्लियर है. श्वेतांबर फिर भी बहुत कलरफुल क्लोथ नहीं पहनते, सिर्फ व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, क्लियर है. श्वेतांबर में ऐसा है कि श्वेतांबर को थोड़ा इंक्लूसिव माना गया है. अगर आप आज के नज़रिए से देखें तो श्वेतांबर फिलॉसफी को थोड़ा इंक्लूसिव माना गया है, बिकॉज उसमें जो है, उस फिलॉसफी में जो है, जो लिबरेशन है या एनलाइटनमेंट है, वो मनुष्य चाहे किसी भी फॉर्म में हो, मेल हो या फीमेल हो, इफ़ इट्स अ बॉय और अ गर्ल, मेल और फीमेल, व्हाटएवर, बोथ ऑफ देम आर एलिजिबल टू अटेन मोक्ष. बट दिगंबरों का ऐसा मानना है कि औरतें जो हैं वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, ठीक है, ऐसा उनका मानना था. तो ये थोड़ा सा पैट्रियार्कल और मिसोजिनिस्टिक नोशन हुआ, ओके, ठीक है, बट इट्स एंशिएंट फिलॉसफी. अब आज के डेट में तो काफ़ी ज़्यादा यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट कंसिडरिंग दैट टाइम दिस वॉज वॉट दे थॉट, ओके. महावीर स्वामी मैरिड थे श्वेतांबरों के हिसाब से, दिगंबरों के हिसाब से वो अनमैरिड थे, ठीक है, क्लियर है. अब जैन टेक्स्ट देख लीजिए कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है. तो कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि कल्पसूत्र का राइटर कौन है, ठीक है, हु इज द राइटर ऑफ कल्पसूत्र. तो द आंसर इज भद्रबाहु, ओके, भद्रबाहु इज द करेक्ट आंसर. परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा है, तो हेमचंद्र इज द करेक्ट आंसर. न्याय अवतार भी पूछा जाता है, सिद्धसेन दिवाकर, ओके, एंड पंच विशटिका इज रिटन बाई पद्मानंदी. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट दो इंपॉर्टेंट हैं, वो देख लीजिएगा. कल्पसूत्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और न्याय अवतार बहुत ज्यादा पूछा जाता है. तो कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा है, प्लीज रिमेंबर दिस. न्याय अवतार सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा है, क्लियर है. अब आप इस पे आ जाइए, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, किसने चालू किया था. तो द करेक्ट आंसर इज डी, मैंने बताया था पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैड स्टार्टेड इट, ओके. हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर, अगेन ऋषभनाथ, ऋषभदेव इज द करेक्ट आंसर. थर्ड परसवनाथ द जैन तीर्थंकर वाज एसोसिएटेड मेनली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज, इन विच प्लेस कैन वी एसोसिएट परसवनाथ वाज द 23rd तीर्थंकर. रिमेंबर 24th महावीर स्वामी, 23rd इज परसवनाथ. वो किस जगह से थे, तो वाराणसी बिकम्स द करेक्ट आंसर, ओके. वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न, प्लीज राइट दिस डाउन, कुंडग्राम. कुंडग्राम इज द करेक्ट आंसर, बुद्ध लुम्बिनी में, और महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन कुंडग्राम, ठीक है, कहाँ पे है ये, वैशाली, ओके, कहाँ पे है वैशाली, कुंडग्राम. किस ईयर में पैदा हुए थे, तो 599 BC लिख लीजिए, 599 BC बर्थ वॉज 599 BC, गौतम बुद्ध वॉज 563 BC एंड डेड इन 483 BC. ये गौतम बुद्ध का है, ठीक है, और ये जो ईयर है ये महावीर का है, क्लियर, 599 BC, ओके. कुंडलपुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ ऑब्वियसली महावीर स्वामी, कुंडलपुर, कुंडलग्राम, सब कुछ सही है. महावीर जैन ब्रीव्ड हिज लास्ट एट, मतलब महावीर जैन या महावीर वर्धमान, महावीर की मृत्यु कहां पे हुई, तो द आंसर इज पावपुरी, क्लियर, पावपुरी इन बिहार, ये राजगृह के पास है, राजगीर अगेन. तो वेयर डिड ही डाई, पावपुरी. वेयर डिड बुद्धा डाई, द आंसर इज कुशीनगर, ठीक है. वेयर डिड बुद्धा डाई, कुशीनगर, दिस इज गौतम बुद्ध. एंड वेयर डिड महावीर डाई, पावपुरी, वेरी क्लोज टू राजगृह, वर्धमान महावीर, क्लियर. द सेल्वेशन ऑफ महावीर जी, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन महावीर जी, ठीक है, कहां पे, पावपुरी लिखा हुआ है. ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, ये गलत है, ठीक है, ओरिजिनेटर नहीं थे वो जैन रिलीजन के. ओरिजिनेटर कौन था जैन रिलीजन का, ऋषभनाथ, ओके. ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आस्क्ड इन अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस. ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन एनलाइटनमेंट, विच रिवर, द आंसर इज ऋजुपालिका, प्लीज राइट दिस डाउन. ऋजुपालिका वो नदी थी, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ ऋजुपालिका रिवर इन द विलेज ऑफ जिरिम्बिक. विलेज अगर ना भी याद रहे तो रिवर का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है,
ठीक है, ऋजु पालिका इज द करेक्ट आंसर. ओके, द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज जैन्स. ओके, नॉट बुद्धिस्ट्स, अभी मैंने बताया था आपको. ओके, सो विद दिस आई थिंक वी हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट कवर्ड मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज. एक और देख लीजिए, हु वॉज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकरस. हमको सबको मालूम है द आंसर इज महावीर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन तीर्थंकर. ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है जैसा कि आप देख सकते हैं. दिस वॉज आस्क्ड इन द UPPCS. बट फॉर CUET इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट अ क्वेश्चन, बिकॉज दिस मीन्स कि आपको सारे 24 के 24 नाम याद होने चाहिए. मैंने क्या बताया, आपको सिर्फ तीन तीर्थंकरों के नाम याद रखने हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन हु वॉज ऋषभ देव, ठीक है, या ऋषभ नाथ, जिन्होंने जैन रिलीजन का प्रोपाउंडर माना जाता है, जिनको जिन्होंने फिलोसफी चालू की. सेकेंड इज द 23rd तीर्थंकर, देर वर 24 इन टोटल, 23rd तीर्थंकर विच वॉज परसवनाथ, एंड 24th द मोस्ट फेमस वन वर्धमान महावीर. ओके, ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ, कुंडग्राम, मौत कहाँ हुई, पावपुरी. गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी, मौत कहाँ हुई, कुशीनगर. क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल इन रिलेशन टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, जैन लिटरेचर्स, फिलोसफी, कहाँ पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ, किस डायनेस्टी के थे, क्या नहीं थे, ऑल ऑफ दैट हैव बीन ड्यूली कवर्ड इन द लेट लेक्चर. आई डोंट थिंक एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट इज इंपॉर्टेंट, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू रीड इट, प्लीज रीड इट फ्रॉम NCERTs, प्लीज रीड इट फ्रॉम अ फ्यू सोर्सेज दैट यू वॉन्ट टू, बट लिमिट योर रिसोर्सेज. एक ही सोर्स को दो तीन बार पढ़िए, इस वीडियो को दो चार बार देखिए. इफ यू वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट इट विद अदर एडिशनल नॉलेज अवेलेबल ऑन द वेब, डू दैट, डू योर NCERTs, बट डू नॉट मैक्सिमाइज योर रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिविजन, दैट हैज टू बी द की टू सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन. विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.